हेलो गाइस, कैसे हैं सब? तो अभी रात के 1 बजे हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो मैंने सोचा कि जब वो इम्पोर्टेंट काम करने का सोच ही रही हूँ तो फिर एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी वो इम्पोर्टेंट काम क्या है, 1 बज रहा है और मैं जस्ट अपना कुछ काम कर रही थी, साथ में फ़ोन पे कुछ वीडियोस भी देख रही थी और पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे फीलिंग आई कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जी हाँ, यही है इम्पॉर्टेंट काम, लेट नाइट हंगर। मेरे अंदर हंगर बहुत है। खाओ खाओ खाओ, थकती नहीं हूँ खाते खाते। क्या यार, मतलब मेरा सीन क्या है मुझे खुद नहीं पता चलता मैं इतना कैसे खा लेती हूँ। और अब मुझे भूख लग रही है तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि अगर मैं इस हंगर के साथ सोई तो मैं कभी नहीं सो पाऊँगी, कभी भी नहीं। क्योंकि थोड़ी सी भी भूख लगती है ना, इवन मुझे अगर सोते सोते भी भूख लगती है ना तो मैं उठ जाती हूँ, एंड उठते ही कहती हूँ मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। अब मैं कहती हूँ क्या ख्वाब में कुछ ऐसा देख रही थी, मतलब खाना पीना देख रही थी क्या, जो तुझे उठते ही भूख लगती है? लगती है तो लगती है, क्या कर सकते हैं भैया। चलो यार, बातें बहुत हो गई हैं, कुछ देखते हैं, कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो भूखे ही सो जाएंगे। पानी पी के सो जाऊंगी। उफ, मेरी दर्दनाक कहानी, उफ कितनी ड्रामेटिकल हो रही हूँ मैं। मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। हमारा किचन ऊपर है ना, ये मेरा हमारा फ्लोर है, इससे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा किचन है और उस फ्लोर पे मम्मी पापा का भी रूम है, और मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं हल्की हल्की सी। आई थिंक कोई उठा हुआ है मम्मी या पापा में से। चलो देखते हैं यार, चल के देखते हैं कि आखिर शायद में भी कोई उठा हुआ हो तो मुझे भी कुछ या तो खाने को मिलेगा। खाने को तो पक्का मिलेगा, या तो खाना होगा या डांट होगी कि इतनी रात तक क्यों जाग रही। तो लेट्स गो, चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे ऊपर माइक्रोवेव चलने की आवाज़ आ रही है किचन से, तो मैं देख कर आऊँ कि क्यों माइक्रोवेव ऑन हुआ है, और अगर कोई कुछ पका रहा है तो मैं भी खा लूँगी। लेट्स गो। तो सवेरा खा ली थी, मुझे समझ में आ रही तुझे क्यों भूख क्यों लगी। मैंने मैंने कब खाया? क्योंकि खाने में क्या था, स्टू, और तुम्हें पता है मुझे स्टू बिल्कुल पसंद नहीं है खाने में, तो मैंने ठीक से खाना खाया ही कहाँ है आज। तो फिर और अब मुझे भूख चावल लग रही में है, मुझे शलजम नहीं डाल के खाना, खा ले मुझे नहीं तू, खाना ये सब कुछ। और क्या खाएगी, अरे रोटी कुछ पकाएगी। ज़रूर, रात को 1 बजे मैं अपने लिए रोटियाँ डाल। हाँ सीरियसली अम्मी, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? माना मुझे कुकिंग पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रात को ओए 1 बजे हट। अब रजाई में से निकल के आई है ना, इसलिए उसको छींके लग गई। तू ये खा लो, मैं वो खा लूंगी। मैं कुछ नहीं, मेरे को राइस वाइस नहीं खाने। मैं तो किसी ड्रिंक के चक्कर में आई थी कि फ्रिज में कुछ ऐसा ड्रिंक हो जो मैं पी लूँ, अच्छा टमाटर सा सूप रख खा। टमेटो सूप ना। हाँ, जैम है, ब्रेड है, और क्या है, हाय हाय, मेरे फेवरेट अंडे। बस यही काम की चीज़ लगते हैं, लेकिन रात को 1 बजे अंडे कौन बनाता है यार? और बंद अब कर फ्रूट भी ठंडे ठंडे दे। लगेंगे। फिलहाल तो मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं, इसलिए मैं दूध ले रही हूँ और दूध को गर्म होने रख रही हूँ। चाय पीनी है क्या? नहीं, मैं वैसे चाय नहीं बना रही थी, मैं सोच रही थी दूध गर्म कर लूँ, लेकिन अगर पीनी है तो मैं बना दूंगी। बना कर दूँ क्या? ठीक है, बनाती हूँ। नहीं, तो मैंने फिर अपना दूध कैंसिल कर दिया और दूध के साथ ये कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ, और अब मैं भी चाय पीऊँगी और चाय के साथ लूँगी मैं अच्छे टेस्टी से पापे या ब्रेड। लेट्स सी क्या लेती हूँ। तो मेरी ये चाय बन गई है, बढ़िया सी स्मेल को, मुझे आदत है चाय कॉफ़ी पहले स्मेल करने की, और इसे मैं खाने वाली हूँ, ये टेस्टी से यमी से रस पापे, बहुत टेस्टी है। और ये ना हमारे पीछे ही बेकरी है, तो हमेशा हमें फ्रेश मिलते हैं, एकदम ताज़े ताज़े बने हुए, ये बिल्कुल रखे हुए नहीं होते हैं।
गुलशन भी जाग गई है, मेरी थोड़ी सी खटपट से ये जाग गई है। यार मैंने कुछ किया भी नहीं, शोर भी नहीं मचाया, कोई शोर नहीं, इतना स्लोली स्लोली बोल रही थी और इतना स्मूथली गई थी कि कोई जागे ना, पर ये फिर भी जाग गई। वैसे गुलशन की नींद इतनी कच्ची है नहीं, बट आई थिंक ये अभी तक सोई ही नहीं थी कम्प्लीटली। वैसे भी अभी ऐसा कोई टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही तो बज रहा है। हमारे यहाँ दिल्ली में ना 12-1 बजना बहुत कॉमन सी बात है, हमारे घर अक्सर 12-1 के बीच में ही सोते हैं, तो जितने भी लोग सो गए हैं उनकी नींद अभी इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है कि वो ना उठें थोड़ी बहुत आवाज़ से, तो आराम से। अभी तो हमारे बिल्ली बच्चे ही जाग रहे हैं, ये देखो ये क्या ड्रामे चल रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो बिल्लू। तो गाइस बातें करते करते मैंने 3 रस खा लिए हैं और अब मैं अपनी चाय पीने वाली हूँ, एंड इससे मेरी भूख काफ़ी नहीं बहुत ख़त्म हो गई है। बहुत टेस्टी चाय, इवन मैं टेस्टी चाय बनाती हूँ। एंड यू नो व्हाट, अपनी तारीफ करनी थोड़ी अजीब लगती है, ऑकवर्ड लगती है, बट सीरियसली मैं चाय तो अच्छी बनाती हूँ, बट मेरी चाय की एक ख़ास बात यह है कि मुझे कभी भी ना चाय बनाने के बाद उसे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम एक्यूरेट बनती है, परफेक्ट बैलेंस होता है पानी का, दूध का, शुगर एंड टी, और अगर जिंजर इलायची डाल रही हूँ तो उनका भी एकदम परफेक्ट मिक्स बनता है और बहुत ही अमेजिंग टी बनाती हूँ मैं। तो मैंने चाय पी ली है और चाय पी के पापे खा के मुझे एकदम मस्त वाली फीलिंग आ रही है, एंड आई एम श्योर अब मैं आराम से सो जाऊंगी। मुझे जब भूख लगती है ना तो मतलब मुझे नींद भी नहीं आ सकती है। आई डोंट नो कैसे लोग भूखे पेट रह लेते हैं और सो जाते हैं, कई बार कुछ लोगों की मजबूरी होती है, अल्लाह पाक किसी पे ऐसी मजबूरी ना लाए कि उसे भूखा सोना पड़े, लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास खुदा की दी हुई बहुत सारी नेमतें होती हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी वो अपने नखरे में, अपने गुस्से में या कोई ज़िद के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मैं उनको सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि ये जो खाना है ना, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, क्योंकि ये जब आपके पास है तो कदर नहीं है, लेकिन जब आपके पास नहीं है तो यकीन मानो गाइस, एक बूंद पानी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाने के ही लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं ताकि उनकी फैमिली को खाना मिल सके। तो ऐसे में प्लीज़ खाने की वैल्यू करें, जो भी आप खा रहे हैं उसके लिए खुदा का शुक्राना अदा करें, जो भी आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी नेमतें नहीं मिल रही, नॉट एन इशू, उस रब का शुक्राना अदा करें कि इज्जत से आपका पेट भरा रहा है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की, छीनने की ज़रूरत नहीं है, वो दे रहा है तो जितना वो दे रहा है उतना लें, उसको अच्छे से खाएं, खुश होकर खाएं ताकि आपको तन को लगे, एंड देन खुदा का शुक्राना भी अदा करें और किसी भी वजह से खाने पे नाराज़गी ना दिखाएं। ओके, आज है वैल्यू नहीं है, अल्लाह ना करे कभी नहीं होगा ना, तो बिलीव मी एक पल में वैल्यू पता चल जाती है, एक रोटी की वैल्यू पता चल जाती है जब मेहनत से कमानी पड़ती है, और वो भी भूखे पेट रहकर, और वो भी पहले किसी और के लिए बाद में अपने लिए। तो आपके पेरेंट्स, पापा, भाई जो इतनी मेहनत करके आपके लिए कमा के ला रहे हैं, या आप खुद भी कमा कर ला रहे हैं, लड़कियां हों, लड़के हों, व्हाटएवर जो भी हो, तो प्लीज़ उस कमाई की और उस कमाई से आई हुई चीज़ों की, खाने की वैल्यू करें, उन लोगों की वैल्यू करें जिनकी वजह से आपको ये सब मिल पा रहा है, और उस ऊपर वाले को भी शुक्राना अदा करना कभी ना भूलें। थैंक यू और सॉरी बेस्ट वर्ड एवर है। तो भाई इसी के साथ आज का ज्ञान भी ख़त्म होता है और रात हो गई है बहुत, तो अब सो जाना चाहिए, हम उल्लू थोड़ी ना हैं जो पूरी रात जागें भाई, अब तो सोना बनता है। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
खुश रहिए, खाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव। गुड नाइट।